नामांकन हो गया, आप देखिए रहे हैं जनसभा, सभी लोग पक्ष में आए हैं, आशीर्वाद देने क्षेत्र से पूरे वैशाली लोकसभा के मतदाता मालिक लोग आए हुए हैं, हमारे गार्जियन आए हुए महाचंद्र बाबू हमारे क्षेत्र में। आपके प्रति नाराजगी भी दिखते हैं? हमारे प्रति कोई नाराजगी, मेरे विरोधी हैं उनका अफवाह। लड़ाई कैसी दिख रही है अभी? लड़ाई कैसी दिख रही है अभी? महिलाओं के विरुद्ध नाराजगी हो ही नहीं सकती है। अभी लड़ाई कैसी दिख रही है? लड़ाई तो हम बता रहे हैं कि लड़ाई ये नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा है, क्षेत्र के है, प्रधानमंत्री जी का मुद्दा है, देश का मुद्दा रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। बिहार का वैशाली लोकसभा सीट हॉट सीट में से एक है, क्योंकि यहां पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला आरजेडी की तरफ से मैदान में हैं। दूसरी तरफ वीणा देवी जो मौजूदा सांसद हैं, और वीणा देवी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करते ही मुन्ना शुक्ला के खिलाफ खूब गर्जी वीणा देवी। उन्होंने कहा कि हर आदमी को चाहिए कि वो किसी के दबाव में ना रहे, हर आदमी चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे। मुन्ना शुक्ला का बिना नाम लिए उन्होंने मुन्ना शुक्ला पर जमकर हमला बोला। और वैशाली में आज नामांकन के बाद क्या कुछ कहा वीणा देवी ने, हम आपको सुनाते हैं। नामांकन हो गया, आप देखिए रहे हैं जनसभा, सभी लोग पक्ष में आए हैं, आशीर्वाद देने क्षेत्र से पूरे वैशाली लोकसभा के मतदाता मालिक लोग आए हुए हैं, हमारे गार्जियन आए हुए हैं महाचंद्र बाबू, हमारे माननीय विधायक जी आए, वहाँ हमारे साहेबगंज के विधायक जी भी आए हुए, सारे लोग साथ हैं, हमारे जितने भी विधायक हैं हम लोग के एनडीए गठबंधन के सारे विधायक जी के आशीर्वाद प्राप्त है। क्षेत्र में आपके प्रति नाराजगी भी दिखते हैं? हमारे प्रति कोई नाराजगी, मेरे विरोधी हैं उनका अफवाह। लड़ाई कैसी दिख रही है अभी? लड़ाई कैसी दिख रही है अभी? महिलाओं के विरुद्ध नाराजगी हो ही नहीं सकती है। अभी लड़ाई कैसी दिख रही है? लड़ाई तो हम बता रहे हैं कि लड़ाई ये नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा है, क्षेत्र के है, प्रधानमंत्री जी का मुद्दा है, देश का मुद्दा रहेगा। मुद्दा यही है, विकास है, क्षेत्र में काम हो ही रहा है, जो बाकी है उसको करना है दोबारा। देश के चुनाव हो रहा है, कोनो मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं हो रहा है, बिहार का नहीं हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है। सभी लोग जानते हैं हमारे किए हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी का काम, चिराग पासवान जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, जीतन अम्मा जी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी हमारे बड़े बड़े नेता के आशीर्वाद प्राप्त है, और उन लोग देश के लिए सजे लोग काम करें। सबसे बड़ा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए 400 पार होगा, 40 सीट हम लोग बिहार। जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता मतदाता मालिक के चरण स्पर्श, आपके माध्यम से, आपके मीडिया भाइयों के माध्यम से सबको प्रणाम। आज हम नामांकन दिए हैं, जो हमारी बहन नहीं आई है, महिला चाहे पुरुष, वो गांव से आशीर्वाद दे, जो आए हैं सो यहाँ से आशीर्वाद दे। विरोधी का अंतरिम जमानत जब्त हुआ है जमीन कब्जा मामले में, क्या कहना चाहिए? आप खुदे बता रहे हैं हमको जो किस कारण हुआ है, सो आपको खुदे मालूम है, हम क्या बता सकते हैं। क्या इसका असर होगा क्षेत्र में? होगा नहीं, बुरा असर होगा। हर आदमी चाहता है कि हम अपना जिंदगी स्वतंत्र जिए, किसी के दबाव में नहीं रहे, अच्छा से रहे, वैसा सारे लोग सोचते हैं। सुना आपने वीणा देवी को, एनडीए कैंडिडेट, एलजेपीआर ने जो सीट जो रिटेन की है, सिर्फ वीणा देवी ने ही रिटेन किया है, सिर्फ यही एक ऐसी कैंडिडेट है जिन्हें दोबारा टिकट मिला है, और किसी भी कैंडिडेट को दोबारा टिकट नहीं दिया चिराग पासवान ने, लेकिन वीणा देवी पर भरोसा जताया है एक बार फिर से। और वैशाली की जो सीट है यहाँ पर उनके खिलाफ बाहुबली मुन्ना शुक्ला है, मुन्ना शुक्ला वर्सेस वीणा देवी, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि कौन जीतता है। लेकिन बिहार का वैशाली लोकसभा सीट बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है। ये जिला भगवान महावीर की जन्मस्थली और उनके आखिरी प्रवचन के लिए जाना जाता है। बिहार की वैशाली लोकसभा सीट भी काफ़ी चर्चा में रहती है, इसी कारण यहाँ के नेताओं की बयानबाजी भी मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में रहती है। इस लोकसभा सीट से अभी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी आर के नेता वीणा देवी सांसद हैं, एनडीए के साथ मिलकर लड़े चुनाव में एलजेपी प्रत्याशी वीणा देवी ने आरजेडी के उम्मीदवार रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। रघुवंश प्रसाद सिंह 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के आंकड़ों पर गौर करें तो लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी को 5,68,215 वोट मिले थे। आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को इस चुनाव में 3,33,631 वोट मिले थे। लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी ने आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था।
रघुवंश प्रसाद सिंह की इतनी बड़ी हार बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था, और इस बार भी वीना देवी का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि बाहुबली मुन्ना शुक्ला से है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट से लोजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। लोजपा प्रत्याशी रामा किशोर सिंह सांसद चुने गए थे। उन्हें 2014 के चुनाव में 3,05,450 वोट मिले थे। आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को इस चुनाव में 2,06,183 वोट मिले थे। जेडीयू उम्मीदवार विजय कुमार साहनी को इस चुनाव में 1,44,807 वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में वैशाली लोकसभा सीट से 6,000 से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती है, मीनापुर, कांती, बरौज, पारू और साहिबगंज और वैशाली। वैशाली सीट से वीना देवी ने आज नामांकन कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल वैशाली की जनता की सेवा निष्ठा और विश्वास के साथ की हूं। इन 5 सालों में वैशाली की धरती पर 3 बड़े प्लांट लगाए गए हैं जिससे कई बेरोजगारों को रोजगार मिला है। यदि आगे वैशाली की जनता साथ देगी तो बचे हुए काम को पूरा करूंगी। वैशाली की सभी समस्या का निदान करूंगी। जनता जो कहेगी वही काम होगा। इस बार पताही एयरपोर्ट का काम पूरा किया जाएगा। तो वीना देवी बाहुबली मुन्ना शुक्ला के खिलाफ आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब इंतजार है बाहुबली मुन्ना शुक्ला की। एक मामला है जो उनका जमीन कब्जा का मामला है, उसमें कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी है, तो ऐसे में जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है और मुन्ना शुक्ला गरज रहे हैं, जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं और केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुकाबला बिल्कुल एकतरफा है और जीत हमारी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ वीणा देवी ने आज नामांकन के बाद ताल ठोक दी है और कहा है कि ये देश का चुनाव है और सबको पता है कि देश का चुनाव है और किसे जिताना है और किसको पीएम बनाना है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।